बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 ए का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अच्छा जी, अब देखिए ये 3 इस ब्रैकेट से बाहर है तो ये ब्रैकेट वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6x हो गया, प्लस 3 फाइव जा 15, माइनस 2x वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 3 भी अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 को x से करेंगे तो 3x प्लस 18। स्टूडेंट्स ये वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि पूरा वॉच करें, ठीक है। कोई भी लेक्चर होता है उसको पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें, जो मैथ्स का लेक्चर होता है एटलीस्ट, क्योंकि जब आप जंप करके चीज़ें देखते हैं तो समझ भी जंप करने वाला आता है, ठीक है। 6x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 4x प्लस 15 रह गया इज इक्वल टू 3x प्लस 18 वैसे का वैसे आ गया। अब x वाली टर्म दोनों साइड्स में है तो एक साइड से रिमूव करते हैं, यहां 3x है यहां 4x है, 3x को हटा लेते हैं। जब 3x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 3x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करते हैं सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 3x को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहां से भी कर दिया सर 3x को सब्ट्रैक्ट, और यहां से भी कर दिया 3x को सब्ट्रैक्ट। 3x से 3x कट गया, क्या रह गया, 18 रह गया। यहां पे 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया तो x बच गया, प्लस 15 आ गया। सर अब यहां हमें सिर्फ खाली अकेला x चाहिए, 15 भी साथ है, क्या करें, 15 को सब्ट्रैक्ट कर लें। जब करेंगे तो दोनों साइड्स पे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, सर लिख रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम बोथ साइड्स। x प्लस 15, यहां से भी 15 को सब्ट्रैक्ट किया और यहां से भी 15 को सब्ट्रैक्ट किया, 15 प्लस 15 माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 18 में से 15 गए तो 3 रह गया, x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आया, 3 आया। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3x माइनस 14, 3x माइनस 14। अब देखें सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ तो दोनों के साथ होगा टर्म ए मल्टीप्लाई, 5x ऐसे का वैसे ही है, प्लस 2 टू जा 4x प्लस माइनस 2 वन जा 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 14। स्टूडेंट्स ये वीडियोस, ये लेक्चर अगर आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, 5x प्लस 4x कितना हुआ, 9x माइनस 2 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू व्हाट, 3x माइनस 14। अब देखिए इधर 9x है, इधर 3x है, इधर भी x वाली टर्म है, इधर भी x वाली टर्म है, हम एक साइड पे x वाली टर्म कर रहे हैं तो यहां से 3x रिमूव करते हैं, तो 3x रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से 3x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 3x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9x इधर से भी 3x सब्ट्रैक्ट किया और ये माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 3x माइनस 3x माइनस 40, 3x और 3x कट गए,
क्या रह गया, माइनस 14 रह गया। थ्री, 9x में से 3x सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा, 6x बच जाएगा, 9 माइनस 3 6, और ये माइनस 2 हो गया। इसके साथ माइनस 2 है, ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस 2 करना पड़ेगा। करते हैं ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, सिक्स एक्स माइनस टू है, तो यहाँ हमने 2 ऐड कर लिया, माइनस 14 था और यहाँ भी 2 ऐड हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, क्या रह गया, 6x इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस 12, माइनस 12 हो गया। माइनस 14 प्लस 2 साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 12 बच गया, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आएगा, बड़ा नंबर 14 था, उसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ एक्स के साथ क्या है, 6 है, हमें ख़त्म करना है 6, तो क्या करेंगे सर, क्या है, 6x इज इक्वल टू माइनस 12, 6 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 ऑन बोथ साइड, बीएस स्टैंड फॉर बोथ साइड्स, 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, क्या रह गया, सिर्फ x रह गया, और यहां भी 6 वन था 6, 6 टू था 12, तो क्या आ गया, माइनस 2, 2 वैसे का वैसे साथ में माइनस का साइन, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 15 है 3 इंटू एक्स प्लस 4, 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, 2x माइनस 27। अब देखिए ये 3 है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस, 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 4 जा 12 प्लस, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x प्लस प्लस प्लस, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 27। अब ये x वाली टर्म्स हैं, इनको एक साथ इकट्ठा लिख लें, 3x प्लस 5x, और ये विदाउट x इनको 12 और 15 को इकट्ठा लिख लें, इज इक्वल टू 2x माइनस 27। 3x और 5x 8x प्लस 12 और 15 27 इज इक्वल टू 2x माइनस 27। यहाँ भी x वाली टर्म है, यहाँ भी x वाली टर्म है, हमने क्या करना है, हमने x वाली टर्म को एक साइड से हटाना है, यहाँ 2x है, स्मॉलर अमाउंट है, इसको हटा लेते हैं, तो 2x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो करते हैं सर सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ से 2x सब्ट्रैक्ट किया प्लस 27 वैसे का वैसे, इक्वल का साइन वैसे का वैसे, 2x यहाँ से भी 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 27, 2x 2x से कैंसिल हो गया, क्या रह गया, माइनस 27 रह गया, 8x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया तो 6x रह गया और प्लस 27, यहाँ 27 प्लस का है, इसको यहाँ से ख़त्म करना होगा, कैसे करेंगे सर, यहाँ 27 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब यहाँ करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं इक्वेशन के अंदर तो वो दोनों साइड्स पे करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं सर सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम बोथ साइड्स, सिक्स एक्स प्लस 27, यहाँ से भी 27 को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ से भी 27 को सब्ट्रैक्ट किया, ये 27 प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया सर, 6x रह गया, इक्वल्स टू माइनस 27 माइनस 27, दोनों के साइन सेम है तो ये आपस में ऐड होंगे, 27 में 27 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। अच्छा ये आ गया आपके पास, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ये है 6x इज इक्वल टू माइनस 54, हमें सिर्फ x चाहिए तो x के साथ 6 भी इन्वॉल्व है, इस 6 को हटाने के लिए क्या करना होगा,
सिक्स से डिवाइड करना होगा क्योंकि सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। लिख दें डिवाइडेड बाय सिक्स ऑन ऑन बोथ साइड्स। यहां भी सिक्स से डिवाइड कर दिया और यहां भी सिक्स से डिवाइड कर, सिक्स से सिक्स कट गया, क्या रह गया एक्स, सिक्स वन सिक्स, सिक्स नाइन फिफ्टी फोर, माइनस नाइन आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस नाइन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये वीडियो अगेन अगर आपके लिए बेनिफिशियल है इसको लाइक कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।